सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में 12 से 15 नवंबर तक आयोजित 30वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2022 का शुभारंभ 12 नवंबर को पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमण ने किया। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र, प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल तारिक अहमद, वरिष्ठ रेल अधिकारी मंडलों के मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल तथा खेल प्रेमी उपस्थित थे। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर महाप्रबंधक श्री रमण ने कहा कि इस वर्ष 30वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व पूर्वोत्तर रेलवे को सौंपा गया है। ये प्रतियोगिता वर्ष 1988 में सिकंदराबाद में आरंभ हुई थी। प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं। महाप्रबंधक चंद्रवीर रमण ने आशा व्यक्त की कि प्रतियोगिता के उपरांत रेलवे सुरक्षा बल की चयनित बास्केटबॉल की टीम अखिल भारतीय पुलिस खेल और अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता में नए आयाम स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी खेल भावना से प्रतियोगिता में अपने खेल का प्रदर्शन करें। महाप्रबंधक एवं अन्य अधिकारी तथा खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल तारिक अहमद ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग ले रही सभी 10 टीमों को दो पूलों में बांटा गया है। दोनों पूलों से दो दो टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। प्रतियोगिता में कुल 24 मैच खेले जाएंगे। उद्घाटन मैच मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के बीच खेला गया, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए उत्तर मध्य रेलवे सुरक्षा बल को 42-23 से परास्त किया। आरंभ से ही पूर्वोत्तर रेलवे की टीम मैच में हावी रही और पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ी तेजी से अंक अर्जित करते रहे। प्रथम हाफ तक मेजबान टीम 28-9 से आगे थी तथा द्वितीय हाफ में भी पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ी छाए रहे। अंततः मैच मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे ने 42-23 से जीत लिया। पूर्वोत्तर रेलवे के सुनील ने 11 तथा दीपक ने 9 अंक बनाए। इसके अतिरिक्त कप्तान भीम सिंह, दीपक कश्यप, छोटे लाल, विजय एवं सतीश तिवारी शानदार खेल का प्रदर्शन किया। उत्तर मध्य रेलवे के फतेह सिंह ने अपनी टीम के लिए 13 अंक जुटाए। आज खेले गए अन्य मैचों में उत्तर रेलवे ने पश्चिम मध्य रेलवे को 52-39, दक्षिण रेलवे ने रेलवे सुरक्षा विशेष बल को 40-34, पश्चिम रेलवे ने मध्य रेलवे को 51-45, पश्चिम रेलवे ने रेलवे सुरक्षा विशेष बल को 39-35 अंकों से हराया। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक तरफा मुकाबले में उत्तर मध्य रेलवे को 28-2 तथा मध्य रेलवे ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को 45-6 से हराया। 13 नवंबर को पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे एवं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, उत्तर रेलवे एवं उत्तर मध्य रेलवे, रेलवे सुरक्षा विशेष बल एवं मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे एवं पश्चिम रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर रेलवे, रेलवे सुरक्षा विशेष बल एवं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे तथा पश्चिम मध्य रेलवे एवं उत्तर मध्य रेलवे के बीच मैच खेले जाएंगे। जिसके संबंध में CPRO पंकज सिंह ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 15 नवंबर तक किया गया, जिसमें RPF की 10 क्षेत्रीय टीमें भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार रेलवे इस तरह का कार्यक्रम कराता है। देर सायं तक पश्चिम मध्य रेलवे एवं उत्तर पश्चिम रेलवे के बीच मैच खेला जा रहा था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह एवं महाप्रबंधक चंद्रवीर रमण ने कहा, साथ में हमारे
महोदय को हमारे पीसीसी महोदय फ्लावर पास देते हुए With today's event, coming up first is the march past. We can see files of different grades are all set. Please assist our honorable chief guest. Sir. और उनके पीछे एनसीआर की टीम इस समय माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दे रही है और एनएफआर की टीम इस समय मंच के सामने से गुजर रही है। और यह रेलवे सुरक्षा विशेष बल वेस्टर्न रेलवे इस समय मंच के सामने से गुजरते हैं। शपथ लेते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि 30वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2022 में सभी नियमों का पालन करते हुए सच्ची खेल भावना से भाग लेंगे एवं रेलवे सुरक्षा बल के यश और सम्मान के लिए इसमें सम्मिलित होने के इच्छुक हैं। टू प्लीज कम ऑन द डायस एंड शेयर द वेलकम एड्रेस सर। रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा आयोजित 30वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2022 में उपस्थित आदरणीय श्री चंद्रवीर रमन साहब महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे, रेलवे के सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष, उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीगण, सभी टीमों के खिलाड़ी, कोच, मैनेजर, बास्केटबॉल संघ गोरखपुर के सदस्यगण, पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के पदाधिकारी, महिलाएँ, बच्चे एवं पत्रकार बंधुओं का आज रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। रेलवे सहित कुल 10 टीमें अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। कुल 10 टीमों को दो पूलों में बांटा गया है। सभी टीमों के बीच दो सेमीफाइनल, एक हार्डलाइन, एक फाइनल को मिलाकर कुल 24 मैच होने हैं। यह प्रतियोगिता ऑल इंडिया रेलवे सुरक्षा बल के बीच हो रही है, इसलिए प्रतियोगिता में पारदर्शिता रखने हेतु बास्केटबॉल संघ गोरखपुर एवं पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के रेफरी तथा निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा इसमें अहम भूमिका निभाई जाएगी। यहाँ पर उपस्थित पूर्वोत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री तारिक अहमद जी, रेलवे के सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारीगण, रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे की आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, प्रतियोगिता में भाग लेने वाली क्षेत्रीय रेलों की टीमों के सदस्यगण, बास्केटबॉल संघ गोरखपुर के सदस्यगण, पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के पदाधिकारी, महिलाएं, बच्चे एवं मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट हुए। रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा आयोजित 30वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आज दिनांक 12/11/2022 से आरंभ होकर दिनांक 15/11/2022 तक चलेगी। मैं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का पूर्वोत्तर रेलवे में स्वागत करता हूं।
आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस अवसर पर मुझे आप लोगों के बीच उपस्थित होने का सुअवसर दिया। यह अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता वर्ष 1988 में सिकंदराबाद में आरंभ हुई थी। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, पूर्व सीमांत रेलवे एवं रेलवे सुरक्षा बल विशेष बल शामिल हैं। पिछले वर्ष 2021 में प्रथम स्थान पूर्वोत्तर रेलवे, द्वितीय स्थान दक्षिण रेलवे एवं तृतीय स्थान पश्चिम रेलवे का रहा था। मैं बाहर से आए हुई सभी टीमों से यह अपेक्षा करता हूं कि इस खेल के मैदान में मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से इस प्रतियोगिता बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता वर्ष 2022 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। माननीय मुख्य अतिथि खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए एनसीआर की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था प्रतियोगिता में और अच्छी अच्छी टीमों को उन्होंने शिकस्त दिया था। अब ऑफिशियल खिलाड़ी है श्री एम के शर्मा जो जिला बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं श्री भगत सिंह, इन्हीं के अथक प्रयास से इनके योगदान से ये प्रतियोगिता अपने समापन की तरफ अग्रसर होती है। हर वर्ष इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के क्वालिफाइड बहुत बड़ी है। इसमें सभी लोग कर्मचारी हैं, कुछ सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कुछ अभी नौकरी में हैं, सभी लोग अपना बहुमूल्य समय देते हैं। सुरक्षा गोरखपुर क्षेत्र से रविशंकर सिंह, टीम के कोच से हरजीत सिंह जो यूथ इंडिया कैंप किए हुए बास्केटबॉल में बहुत बेहतरीन खिलाड़ी अपने जमाने के रहे हैं। टीम के कप्तान हैं। अन्य रेलवे की टीम पिछले वर्ष की विजेता काफी दिनों से विजेता होने का गौरव प्राप्त कर रही है। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। बेस्ट स्कोरर का भी प्राइज जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में ही जाता है बेस्ट स्कोर करने का। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करके इसको खेलते संबोधन भैया पर मैच पुनः प्रारंभ हुआ। Thank you.
राजधानी रेलवे 28 NCR 9 ये अखिल भारतीय RPF बास्केटबॉल टूर्नामेंट है जो आज से इसका शुभारंभ महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा किया गया है और ये प्रतियोगिता 15 तारीख तक चलेगी। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे जवान हैं, जो हमारे लगातार हम लोग खेल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित। सर कहाँ कहाँ टीमें आई होंगी? 10 क्षेत्रीय रेलों की अलग अलग टीमें आई हैं और जब ये प्रतियोगिता का समापन होगा उसके बाद एक ऑल इंडिया RPF की टीम बनाई जाएगी जो इनका ऑल इंडिया पुलिस गेम्स होता है उसमें पार्टिसिपेट करेगी। आज उद्घाटन हुआ है और ये चलेगा 15 तारीख तक, 15 को समापन होगा। ये मेरे रेलवे बोर्ड का इनिशिएटिव है जिस बेसिस पर हर एक साल जो है इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। तो आज ये आज उद्घाटन हुआ पहला दिन है।